रात के बजे है 1:29, 1:29। सो रहा था, एक कॉल आया कि भाई ज़रा इमरजेंसी है, टायर में आवाज़ आ रहा है। मैंगो का गाड़ी है, ट्रांसपोर्ट का है। तो कैसे होता है कि जब ट्रांसपोर्ट का गाड़ी होता है तो मैं हमेशा पहले उनको प्रायोरिटी देता हूँ कि रात हो या दिन हो, जैसे अपना स्लोगन है कि हम हेल्प हमेशा करते हैं। तो वो गाड़ी आ रही है, मैं देख के आ चुका हूँ। आप लोगों को दिखाऊंगा कि लोग किस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालते हैं और किस तरह से थोड़ी सी बेपरवाही से इंसान की जान पर बीत सकती है। तो ये कहानी है इस ब्रेक पैड की। ये देखो किस तरह से ये खत्म हो गया। ये थोड़ा सा इंसान की केयरलेस और ये ख़राब कर देगा कि अगर टूट जाएगा तो ब्रेक फेल हो जाएगा। वैसे अभी भी पिस्टन बाहर आया हुआ है इसका, तो हो सकता है कि पिस्टन लीकेज भी किया हो। ये देखिए पिस्टन खोलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर। तो ये हाल है इस ब्रेक डिस्क का। अभी डिस्क चेंज ही करना पड़ेगा और इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता था, लेकिन ड्राइवर होशियार है तो सही सलामत गाड़ी यहाँ तक आई है। तो अब चेंज करते हैं। वो रात को 2 बजे इसको कहाँ से अवेलेबल करना, यही दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। वक्त हुआ है 3 और अभी गाड़ी का काम पूरा हुआ है और अब गाड़ी जा रही है। कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिला है, डिस्क चेंज किया है और बताता हूँ कि ब्रेक पैड का हाल क्या हुआ है। ये होती है ब्रेक डिस्क, जो इस तरह से होती है। आपको दिखाया मैंने किस तरह से उसकी ख़राब हुई थी। और ये ब्रेक पैड है, अब नया वाले मैंने फिटिंग किया, उसमें KBX का, और ये दूसरे साइड का है। तो इसमें और इसमें अभी बहुत फ़र्क है। नया वाला इससे और थोड़ा ज़्यादा आता है। तो ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन इससे जान का और माल का दोनों का खतरा है। 1:30 के करीब आया था, अब 3 बज रहे हैं और गाड़ी काम हो गया। स्लोगन है हेल्प यू हमेशा, और ट्रांसपोर्ट गाड़ी के लिए खासकर मैं बहुत एहतियात बरतता हूँ कि उनके पास अब मैंगो था गाड़ी में, उसके नया सीज़न है, जाना पहुँचना बॉम्बे में बहुत ज़रूरी था, इसलिए करके दिया। लेकिन दिखाना ये चाह रहा हूँ कि अपने गाड़ियों का कम से कम ब्रेक और स्टीयरिंग का काम हम लोग प्रॉपर करें, ताकि रास्ते में ये दिक्कतें ना आए। और हो सकता था वो डिस्क कट हो गया था, हो सकता था गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता, गाड़ी टकरा जाती किसी से, तो नुकसान दोनों होता, जान का भी हो सकता था, माल का भी हो सकता था। अपना ख्याल रखें, अपने गाड़ियों को हमेशा बाहर निकलते वक्त चेक करके निकलें।